हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायफ्रैक्शन के बारे में। क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। डायफ्रैक्शन है क्या? सिंगल स्लिट से सपोज कीजिए आपकी ये कोई सिंगल स्लिट है, वो यहाँ से आपके पीछे सोर्स यहाँ से लाइट इंटर कर रही है, तो जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कि लाइट जो है सीधी जाएगी ऐसे। लेकिन ये लाइट यहाँ से जो आएगी वो इस साइड में भी घुस जाती है, इधर आके दोनों साइड में। और इसका आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल देखा होगा घर पे भी अपने, जब खास करके जब आप अंदर वाले रूम में जिसमें बिल्कुल अंधेरा है और किसी पॉइंट से अगर कहीं से अगर लाइट आ रही है, बिल्कुल छोटे से होल से कहीं से लाइट आ रही है, तो वो काफ़ी दूर तक रूम के अंदर फैल जाती है, जितना हम एज्यूम नहीं करते उससे भी ज़्यादा। जैसे कि यहीं आई तो ये इधर भी घूम जाएगी, इस साइड में भी घूम जाएगी। तो यही जो है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। सपोज कीजिए आपने जैसे, या इसको ऐसे सोच सकते हो, यहाँ कोई सोर्स है, यहाँ आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया, अपारदर्शी जिसमें से ना दिखता हो, तो जनरली हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ इस जगह पर सारी पे आपको क्या मिलेगा, डार्क दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में डार्क होता नहीं, थोड़ी सी हम ये सोचेंगे लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे चले जाएगी, यहाँ बिल्कुल डार्क होगा, लेकिन हल्की सी लाइट इधर जो है ना मुड़ जाती है इस तरफ, और यही डायफ्रैक्शन है बस। क्या देखिए, डायफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर। किसी ऑब्स्टेकल या अपर्चर के कॉर्नर के ऊपर लाइट का बैंड हो जाना इन द पाथ ऑफ लाइट। रास्ते में अगर आप ऑब्स्टेकल रख दें या अपर्चर रख दें तो लाइट दस डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, अपने लीनियर पाथ से लाइट डेविएट हो जाएगी। डायफ्रैक्शन इज क्लियर, पूरी डायफ्रैक्शन सही क्लियर कब दिखाई देगा, व्हेन स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ आगे बताऊंगा मैं आपको, स्लिट विड्थ इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि स्लिट की विड्थ जो है, जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल होनी चाहिए। ये डायग्राम बनाया इसके अंदर देखिए, व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ये है मेरा प्लेन वेव फ्रंट है ये डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, इज मेड टू फॉल ऑन स्लिट एल एन। ये स्लिट आपकी यहाँ काफ़ी बड़ी दिखा रखी समझाने के लिए, ये बहुत छोटी स्लिट ले जाएगी कंपेरेबल टू लाइट की जो वेवलेंथ है उसके। फॉल ऑन स्लिट एल एन एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे, वहाँ जो स्क्रीन कहीं रखेंगे वहाँ आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेंगे। और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होंगे, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, बिल्कुल सेंटर में क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। जैसे यहाँ अगर मैं देखूँगा तो सेंट्रल ब्राइट बैंड कहाँ, यहाँ पे, जैसे ये स्लिट का मिड पॉइंट है तो सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ बनेगा आगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड। Having alternate dark and weak bright bands, और इसके alternate, ये जैसे यहाँ central bright है उसके बाद dark, फिर आपका bright, फिर dark, फिर bright, ऐसे नीचे की तरफ dark bright, ऐसे alternate band बनते जाएंगे। उनमें होगा क्या, जो bright band जो उनकी intensity continue जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वो intensity कम होती जाएगी। Central bright band having alternate dark and weak bright bands of decreasing intensity, ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी ऑन बोथ साइड, इस सेंट्रल पॉइंट से नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड में। उसके बाद एम इज द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, स्लिट का एम यहाँ पे क्या आपका मिड पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन थ्रू एम परपेंडिकुलर टू द स्लिट, एक स्ट्रेट लाइन जो स्लिट के क्या आपके परपेंडिकुलर भी है, टू द स्लिट प्लेन मीट्स द स्क्रीन एट सी। मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर जाके कहाँ पे, सी पे जाके स्ट्रेट लाइन वहाँ पे मीट कर रही है। तो यहाँ तो हमें पता, जैसे आपका ब्राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा, इससे ऊपर या नीचे क्या होगा उसके लिए हम कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे पी। जैसे यहाँ हमने पॉइंट पी एज्यूम कर लिया और इधर से ये लाइट्स जो आपकी लाइट वेव फ्रंट जो इधर जा रहे हैं, वी वांट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पी टू डिफरेंट पॉइंट्स एल एम एन। ये पॉइंट आपके जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आपका L है, ये N है और ये बीच में M है, इनसे जो स्ट्रेट लाइन जाएंगी, ये स्ट्रेट लाइन
कैन बी ट्रीटेड एज पैरेलल, उनका पैरेलल सोच सकते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल एम सी। ये जो आपका नॉर्मल है एम सी, इसके साथ एंगल कितना बना रखा थीटा है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इनको आप पैरेलल सोच सकते हैं इनको। और इन्होंने क्या कर रखा है, इस एम सी के साथ क्या बना रखा एंगल थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। यहाँ पे क्यू लिखा भी मैंने ब्लू पेन से, एक्चुअली मेरा क्यू और थीटा दोनों आपको एक से लिखेंगे। ये क्या आपका थीटा है, ये आपका क्यू है और ये थीटा है, दोनों ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा और ये भी थीटा है, ठीक है। डिवाइड द स्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, अब इस स्लिट को क्या कर दीजिए, ये जो स्लिट आपकी है, ये वाली स्लिट एल एन जो स्लिट है, एल एन स्लिट, इस स्लिट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड एड देयर कंट्रीब्यूशन एट पी, और उस उन सभी जो पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है उनका कंट्रीब्यूशन ये देखेंगे, जो हमने पॉइंट पी जिसके ऊपर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वाइन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब क्योंकि ये पॉइंट पी के ऊपर जो आपकी लाइट जाएगी विद प्रॉपर फेज डिफरेंस, प्रॉपर फेज डिफरेंस के साथ, वी आर ट्रीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वे फ्रंट एट द स्लिट एज सेकेंडरी सोर्सेज, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं इस स्लिट के ऊपर इनको हम क्या करेंगे सेकेंडरी सोर्स एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि वे फ्रंट पीछे से आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, तो यहाँ आने के बाद स्लिट में आपके क्या सेकेंडरी सोर्सेज हैं, और बिकॉज द इनकमिंग वेव फ्रंट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट, और ये इनकमिंग वेव फ्रंट ये आपकी क्या है पैरेलल है स्लिट के, और अगर ये पैरेलल है तो दीज सोर्सेज आर इन फेज, ये जितने भी सोर्सेज बनाएंगे आप सेकेंडरी सोर्सेज यहाँ एज्यूम करेंगे इनको सबको आप क्या सोचेंगे किसमें आपके ये फेज में है, सारे के सारे फेज में हैं। क्लियर यहां तक? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इंटेंसिटी हैज सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा कब बने, जो थीटा हमने क्या बताया था वो जो आपकी पैरेलल रेज आ रही है उनके और एमसी के बीच का एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो है उस केस में आपका क्या बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा, कब, जब थीटा आपका जीरो है। एंड अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, अभी ये तो सेंट्रल हो गया, उसके बाद जितने भी मैक्सिमा बनेंगे उनको सेकेंडरी बोलेंगे हम। अदर सेकेंडरी मैक्सिमा एट थीटा नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका एन प्लस वन बाय टू इंटू लेमडा बाय ए, ये किसके लिए कंडीशन होगा आपकी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ठीक है। फिर मिनिमा के लिए क्या है, एंड हैज सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए, सेकेंडरी मिनिमा मीन्स जहाँ पर इंटेंसिटी आपकी जीरो है, थीटा विल बी नियरली इक्वल टू एन लेमडा बाय ए, और इन दोनों केस के अंदर एन की वैल्यू आपकी प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री हो सकती है। और ये जो आपका स्क्रीन पे बनेगा इस टाइप का जो आपका इंटेंसिटी दिखाई देगी आपकी, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पर, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, ये आपका वो पॉइंट ले रखा मैंने या स्क्रीन का सी पॉइंट था यहाँ पे। द डायफ्रेक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा अलोंग विद सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये तो सेंट्रल आपका ब्राइट होगा, उसके बाद अल्टरनेट आपके क्या है डार्क और ब्राइट जो है ये बैंड बनेंगे जिनको आप मिनिमा और मैक्सिमा कहेंगे, उन आइदर साइड यानी इस साइड में भी और इस साइड में भी ये बन गए, उसके बाद ये है, उसके बाद ये आपके सेकेंडरी मैक्सिमा है, यार सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहाँ पे क्योंकि ऐड हो रहे हैं जितने पॉइंट हैं उस स्लिट के ऊपर जितने बैजूम के उनका ही सारा ही, और ये आपकी पाथ आपका है लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा, इधर माइनस लेमडा, ये माइनस टू लेमडा, और इधर क्या आपका ये माइनस थ्री लेमडा। द डायफ्रेक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा अलोंग विद सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑन आइदर साइड, द पॉइंट्स विद पाथ डिफरेंस लेमडा टू लेमडा आर सेकेंडरी मिनिमा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये सारे आपके क्या हैं सेकेंडरी मिनिमा के पॉइंट हैं। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज शोन, और ये आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इधर ऊपर की तरफ आपकी क्या है ये इंटेंसिटी है, ये इधर लिखा मैंने इंटेंसिटी है और नीचे क्या लिखा हुआ ये पाथ डिफरेंस, और इस ढंग से आपका ये डायफ्रेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।